हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी रिएक्शन वीडियो होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले जो टॉपिक है वो है गोदी मीडिया। तो आजकल गोदी मीडिया के बहुत ज़्यादा मीम्स बन रहे हैं, तो ऐसे एक वीडियो है बहुत अमेजिंग थी, तो इसको हम आज इस पर रिएक्शन देंगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो, और फिर बाद में कुछ आपसे बात करता हूँ इस वीडियो के बारे में। तो चलो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। अरे वो तो मेरे आपके गले में कुत्ते का मट्टा बंध दिया है। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का मट्टा बांध दिया है, उसकी दोस्ती और ये साल की तरह बात मत करो, और ये धमकी देने बात मत करो, ये धमकी बाजी देना बंद करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। बातों को बदनाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे तो लाना थे तेरी पत्रकारिता पर। मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूं, हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीखो। ये भर्सी ना कीजिए आप दीपक जी, ये बढ़ रहे सुन लीजिए, ये भड़वा के लिए बहुत दिन चलेगा नहीं। आज किसी किसी पार्टी का मुखौटा बन के उनके लिए दलाली कर रहे हो, आप चला लो बिल्कुल चुनौती से। अरे आप दलाली कर रहे हैं आप चैनल के ऊपर, मांग में मत आ जाइएगा, चैनल के ऊपर दलाली कर रहे हैं बैठ के आप। अरे आप भाजपा की दलाली करते हैं बैठ के यहाँ पे, आपके औकात नहीं बात करने की। अरे बकवास करना बंद कर दो, ये भड़वा गिरी करना बंद कर दो चैनल बैठ के। अरे बोलिए ना, हम भी तो पता लगे। अरे धंधे में बैठ जाओ। क्या बोल रहे धंधे में? नया बाथरूम अक्षय। हेलो, ये नया बाथरूम किसके लिए? आप सब के लिए। तो लाइए लीजिए हार्पिक बाथरूम क्लीनर, पर मैं तो महंगे डिटर्जेंट से साफ करती हूँ। दिखाइए। हम इस देव थोड़ी मर्यादा रखिए। भारतीय जनता पार्टी के दलाल न बनिए। जवान किसान मुसलमान का लिहाज ना मोदी को है, ना मोदी के दलाल एंकरों को है। सुधर जा सुअर की शक्ल के। अरे ना ना, इन शब्दों का इस्तेमाल बंगाल। अरे सुनो, पहले बहुत दलाली कर लिए, सुनो गोदी मीडिया दलाली बहुत कर ली, बीएनडी सुनो खाली, अब करिए दलाल मत बनिए मोदी के, आरएसएस के दलाल मत बनिए, मोदी और आरएसएस के दलाल मत बनिए, देश में आग मत लगाइए, देश को बचाना है, इंसाफ लाना है। नहीं, उसका मतलब क्या? अरे मैं इसका मतलब ये अभी तक कुछ किया नहीं है। नहीं, उसका मतलब क्या? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये आपके टीआरपी के लिए ज्यादा नाटक मत करना। नहीं तो मैं तो देख लूंगा फिर। देख लेने की मतलब क्या है? वो देखेंगे आप आगे। ये नहीं, नहीं, बात ऐसी ये है तो थ्रेट। ऑफ कोर्स ये थ्रेट है तो थ्रेट पकड़ लीजिए। आप कोई ऐसे नहीं है जो देश में कुछ भी हंगामा खड़ा करेंगे आप मीडिया से, फिर आपके चैनल पे वो डिबेट चलता रहेगा, इसको ये अलाओ, इसको लाओ, इसको लाओ। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? जो लोग कह रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जो सेंटेंस है वो ट्विस्ट करके आप कुछ भी करते रहेंगे, ये कैसे चलेगा? जी इत्मीनान से बात करिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मर्यादा के साथ बात करिएगा। बेवकूफों की तरह, बेवकूफों की तरह तकरीर मत करो, हमेश सवाल करो। बेवकूफ होंगे आप। अरे पिट्ठू मत बनिए सरकार। ना ना, आज के बाद मत बोलिएगा। पिट्ठू होंगे आप और आपके आपके साथ के होंगे कई पिट्ठू। बाबरी मस्जिद कैसे बन गई? माफ कीजिएगा इलियास शराफुद्दीन, बात पूरन खाली है। सलमान खुर्शीद को भी दिखाते हैं, दिग्विजय सिंह को भी दिखाते हैं, जो करा था वर्टिकल स्ट्राइक। खामोश रहो, अरे बेईमान खामोश रहो, शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, माफी मांगिए। दलाल है, भड़वे भड़वे है, गोदी मीडिया दलाल भड़वा है। काटिए इनको, काटिए इनको। ये बताओ क्या करोगे तुम, तुम्हारी हैसियत क्या, तुम क्या कर लोगे? भड़वे दलाल तेरी है, भड़वे दलाल तेरी है। योगी की दलाल
गलती कर रहे हैं, सुदर्शन की टीम को बोलेंगे। मुझे बताइए आपको बीजेपी का गुणगान गाना है गाइए, लेकिन सेना को बीच में क्यों ला रही है? उंगली करके आज के बाद ZNCL के खिलाफ सोच कर बोलिएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ कि जीनून पूरी तरह से बीजेपी का मुखौटा बन गया। सर मैं आपको समझा रहा हूँ और जिस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है, आपको मैं ये दो शब्द माय डियर फ्रेंड कहना चाहता हूँ, BND। फ्रेंड्स ये थी BND मीडिया। तो देखा आप मीडिया कितना इस तरह गिर चुका है, तो कितनी ज़्यादा गाली गलौज भी होने लगी है मीडिया में, लाइव डिबेट जो होती है, तो यार कितने ज़्यादा मीम्स बन चुके हैं इनके ऊपर। तो इंडिया का मीडिया का जो स्तर है वो कितने ज़्यादा गिर चुका है। तो आजकल की जो डिबेट होती है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के उसमें रह गई है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियो आपके लिए और रिएक्शन वीडियो लाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करना है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं और भी इस टाइप की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।